उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार रात हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 पहुंच गई, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस बीच हादसे का शिकार हुई ट्रेनों के ड्राइवर और गार्ड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि इन दोनों ट्रेनों के ड्राइवर और गार्ड घायल हैं और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल कमर्शियल मैनेजर राजेश कुमार ने बताया है कि इस हादसे में शामिल मालगाड़ी का इंजन चालक और गार्ड बाल बाल बच गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि घायलों की लिस्ट में कोरामंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और उनके सहायक के साथ साथ गार्ड और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के गार्ड शामिल हैं। राजेश कुमार ने कहा है कोरामंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के गार्ड का अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरामंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी के टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 17 डिब्बे पटरी से उतर गए और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए। रेल मंत्रालय ने इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं शुरुआती जांच रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि कोरामंडल एक्सप्रेस को पहले ग्रीन सिग्नल दिया गया था, बाद में इसे बंद कर दिया गया। जांच अभी चल रही है, इस वजह से इस पर आगे कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। हालांकि रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने ओवर स्पीडिंग की जो बात हो रही थी उसको पूरी तरीके से नकार दिया है और कहा है कि ट्रेन बिल्कुल भी अपनी स्पीड से ज्यादा नहीं थी।